जाऊंगा ऐसे, देख लो इस तरह से हमको पकड़ना है और चिक मैक साइलेंस प्लीज। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र पाठार है और मैं आपको फायर के बारे में जो फायर के इक्विपमेंट्स है यहाँ पे, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है, हमारे पास सैंड बकेट है, हमारे पास स्मोक डिटेक्टर है, स्प्रिंकलर है, मालूम है आपको, पता है कहाँ कहाँ पे लगे हुए, कहाँ पे कौन बता सकता है, स्प्रिंकलर कहाँ पे है और स्मोक डिटेक्टर कहाँ पे है? ये स्प्रिंकलर है और स्मोक डिटेक्टर, ये सब मैनुअल है, ऑटो में है, कैसे ऑटो में, और ये फायर एक्सटिंग्विशर मैनुअल है, और सैंड बकेट मैनुअल, यानी हमें यूज करना है उसको जब आग लगेगी तब। किसी को पता है आग कैसे लगती है, किन चीजें, कौन से चीजें हैं जो एक साथ आती है तब आग लगती है, कौन से है तीन चीजें, कौन बता सकता है? सर एक तो जो भी केमिकल होगा, केमिकल ही है, उसका इग्निशन टेम्परेचर, केमिकल तब बनता है जब एक साथ आ जाते हैं, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए, और तीन चीजें कौन सी है जो एक साथ आती है तब आग लगती है? हाँ बोलो बोलो, बराबर बोल रहे हैं, कौन सा? फ्यूल, ऑक्सीजन और तीसरा नहीं पता, फ्यूल ऑक्सीजन और टेम्परेचर, हीट, बराबर राइट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीन चीजें हैं जो एक साथ आती है तब क्या होता है, आग लगती है, समझ गए सब लोग, हीट का मतलब आग, ऑक्सीजन सब है जगह पे, ऑक्सीजन तो है अवेलेबल है, और फ्यूल, फ्यूल पता है किसी को, फ्यूल पता है किसी को, फ्यूल क्या होता है? आग जब लगती है तो किसको लगती है? फ्यूल को लगती है। फ्यूल कौन से फ्यूल है यहाँ पे? यहाँ पे ऑक्सीजन है, फ्यूल कौन से है? फ्यूल लकड़ी को लगी हुई, जिसको लगी हुई आग उसे फ्यूल कहेंगे, क्या? फ्यूल, जिससे लगी हुई आग, जिसको लगी हुई आग किसको लगती है? सब जहां जहां लगती है उसको फ्यूल बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? फ्यूल, फ्यूल बोलेंगे, लकड़ी को लगी हुई आग, लेकिन जो जो आग लगती है फ्यूल को, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पे गैस फायर है, वहां पे पेट्रोल डीजल केरोसिन है, साधारण आग है, जैसे हमने फुट्टे का इंतजाम किया है, यानि ये सब फ्यूल हुआ, लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग और फुट्टे को लगी हुई आग, ये जनरल फायर हुआ, क्या हुआ? जनरल फायर यानि साधारण आग। साधारण आग को हम कैसे बुझा सकते हैं? हाँ, वाटर, पानी से बुझा सकते हैं, बराबर, सैंड, सैंड से बुझा सकते हैं, और हमारे पास एबीसी पाउडर है, क्या है? एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर, उसके अंदर पाउडर है, केमिकल पाउडर है, तो ये हम इससे बुझा सकते हैं, क्या हुआ? साधारण आग को। साधारण आग क्या है? लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग और फुट्टे को लगी हुई आग को हम साधारण आग कहेंगे, और उससे हम कैसे बुझाएंगे? पानी से बुझा सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है, उससे बुझा सकते हैं, सैंड बकेट से बुझा सकते हैं, क्या होता है वो? बुझाते तब क्या होता है? बैंकेटिंग होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होता है? कट होता है। पानी से बुझाएंगे तो क्या होगा? कूलिंग होगा, क्या होगा? जब हम हीट हीट को हटाते हैं तो क्या होता है? कूलिंग होता है, क्या होता है? कूलिंग होता है, समझ गए? अब ये साधारण आग, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और ई क्लास, पांच प्रकार के क्लास है, कितने? पांच। ए क्लास यानी साधारण आग, लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, फुट्टे को लगी हुई आग, उसके बाद में बी क्लास यानी
बी क्लास कौन बताएगा? पेट्रोल डीजल केरोसिन को लगी हुई आग, पेट्रोल डीजल केरोसिन को लगी हुई आग को हम बी क्लास में बी क्लास कहेंगे, समझ गए? उसके लिए हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे? बी क्लास। यहां पे लिखा है एबीसी और ये बीसी, बीसी फायर एक्सटिंग्विशर हम इस्तेमाल करेंगे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है, ज्यादा से ज्यादा हम पेट्रोल डीजल केरोसिन और इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर है CO2, समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? CO2। कौन सा? CO2 का फुल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है उसमें पाउडर? क्या है, क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, पाउडर नहीं होती है, गैस होता है। तो ये पेट्रोल डीजल केरोसिन इलेक्ट्रिसिटी की फायर जब लगती है तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सी क्लास यानी गैस फायर, गैस फायर, गैस की लाइन है यहाँ पे। गैस की लाइन कैसे होती है, कौन से कलर की होती है? येलो, येलो कलर की, ठीक है? तो येलो कलर जहाँ पे गैस की आग लगती है वहाँ पे हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। मगर हम जब भी आग लगेगी तब हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम स्टारवेशन करेंगे। क्या करेंगे? स्टारवेशन करेंगे। अगर हमको हीट को हटाना है तो कूलिंग करेंगे, ऑक्सीजन को हटाना है तो हम ब्लैंकेटिंग करेंगे, और फ्यूल को हटाने के लिए क्या करेंगे? स्टारवेशन करेंगे यानी सप्लाई बंद करेंगे। मेन गैस का, गैस की आग लगती है तो मेन वॉल्व बंद करेंगे। ये जब तक हम नहीं बंद करते हैं तब तक ये फायर एक्सटिंग्विशर काम आएगा। वहां से सप्लाई जोर से चालू, यहां से हमारा कितने केजी का, 5 kg, 6 kg, 10 kg, उसके बाद में वहां से सप्लाई चालू ही रहेगा और यहां से हमारा सप्लाई खत्म होगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस खत्म होगा, हमारा क्या खत्म होगा, फायर एक्सटिंग्विशर खत्म होगा। जहां 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 पे आग लगती है तो वहां वहां पहले हमको क्या करना है, शुरुआत स्टारवेशन से करनी है। क्या करना है? स्टारवेशन, समझ गए? स्टारवेशन से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में डी क्लास यानी मेटल फायर, डी क्लास यानी धातु को लगी हुई आग, जो बड़े बड़े कंपनियों में होती है, धातु होते हैं, बराबर, मेटल, मेटल फायर बोलते हैं उसको। तो वो आग बुझाने के लिए ड्राई केमिकल पाउडर का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उससे हम वो आग क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। उसके बाद में ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी फायर, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फायर की आग लगती है, क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फायर की, क्या हुआ पता नहीं चला, आग लगने के बाद पता चलता है, कोई बोलता है कि इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट। कब होता है शॉर्ट सर्किट? ओवरलोड ऑफ, ओवरलोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे सिंगल फेस, थ्री फेस, जहाँ पे सिंगल फेस कनेक्शन है और वहाँ पे थ्री फेस, जैसे बहुत बड़े लोड हमने दिए तो क्या होगा, ओवरलोड होने के बाद केबल हीट हो जाती है, हीट होने के बाद फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग, ये तीनों चीजें हैं, पर और उसमें से फेज और न्यूट्रल दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, यानी अंदर का इंसुलेशन जब जुड़ जाता है तब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होती है यानी स्पार्क हो जाता है। जैसे हमने जब भी हम लोग स्विच ऑन कर दें, कहाँ पे, घर पे भी हम लोग स्विच ऑन कर दें तो क्या होता है, कभी कभी स्पार्क निकलता है ना, तो क्या होता है वो, क्या होता है, लूज कनेक्शन, क्या होता है, लूज कनेक्शन होता है, वहां पे स्क्रू होता है अंदर, देखो आप जब भी टाइट करोगे केबल को, वायर को, सिंगल वायर को हम लोग टाइट करते हैं, अगर अगर वो लूज होता है तो क्या होता है, जैसे हम लोग बटन ऑन करते हैं तो ढूंढते रहता है, सप्लाई कनेक्ट नहीं हुआ रहेगा, एक 5-6 तार होते हैं उसके अंदर, अगर वो लूज हुआ उसमें से तो क्या होगा, स्पार्किंग निकल जाता है। तो हमको क्या करना होता है, उसके लिए क्या करना है, हमें क्या करना है, उसके पहले हम लोग रोकेंगे उसको, क्या करेंगे, हमको स्विच को बदली करेंगे,
स्विच अगर खराब हुआ रहेगा स्टार्ट में हो जाता है, तब जब कनेक्शन लूज होता है तो हमको एक तो कनेक्शन टाइट करना है, अगर स्विच बदलने की नौबत आती है तो हमको स्विच बदलना चाहिए। हर एक चीज, आग लगती है उसके पहले हमको क्या पता चलता है, लूज पॉइंट उसके पता चलते हैं, मगर हम लोग उसको क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं ना। हर बार देखो जब हम निगलेक्ट करते हैं उसके बाद में वो दिखा देता है अपना, क्या दिखा देता है, अपना रंग दिखा देता है। ठीक है, इसके लिए हमको निगलेक्ट करना नहीं चाहिए। हमारे पास इक्विपमेंट है, अभी इलेक्ट्रिसिटी फायर आग लगी, हम लोग क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी है शॉर्ट सर्किट हुआ, मेन सप्लाई बंद करेंगे। कहाँ पे है मेन सप्लाई, किसी को पता है यहाँ पे, सब लोग क्या करेंगे, दौड़ेंगे बाहर भाग जाएंगे, क्या करेंगे सब लोग, पहले हम लोग जान की रक्षा करेंगे, फिर अपनी जान बचा के दूसरों की जान बचाएंगे। हाँ क्या करेंगे, हाँ पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी जान बचा के दूसरों की जान बचाएंगे या भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे लिखा होता है, क्या लिखा होता है, फायर एग्जिट, कहाँ पे है फायर एग्जिट, एक ही है हमारे पास, स्टेयरकेस। वो कैसे बिल्डिंग बिल्डिंग में होते हैं, स्टेयरकेस होते हैं, मालूम है ना, बड़े बिल्डिंग में होते हैं। अभी जैसे यहाँ एंट्रेंस में आग लगे तो आप भाग कैसे जा सकते हो, हर एक के लिए दरवाजा डोर होना चाहिए, दो दरवाजे होने चाहिए, बड़े बड़े जब होते हैं तो एक इमरजेंसी बैक फुट के लिए एक डोर होना चाहिए, उसमें से अगर सामने होती है आग लगती है तो यहाँ से हम लोग निकल सकते हैं, समझ गए। अभी ये ज्वलनशील पदार्थ है, ये क्या है, प्लाई वगैरह सब लकड़ा वगैरह क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है। एक बार वहाँ पे उसको लग गई तो क्या होगा, इसमें अगर केबल जल गई क्या होगा, क्योंकि स्पार्क होता है इलेक्ट्रिसिटी की, जब आग लगती है स्पार्क ज्यादा से ज्यादा होता है तो क्या होगा, तुरंत जल जाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए, उसको स्टॉप करने के लिए पहले सप्लाई बंद करना चाहिए। अगर हमने सप्लाई बंद करने के लिए देरी करेंगे तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे रुक भी नहीं पाएंगे, इतना ज्वलनशील पदार्थ है ये सब चीजें। तो हमको सप्लाई हमेशा उस सप्लाई के जगह पे जाना होगा और सप्लाई मेन क्या करना होगा, बंद करना होगा। ये आपको सबको पता होना चाहिए, जहां जहां पे सप्लाई है वो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्पार्क भी निकला आपको लगता है, धुआं भी आ गया, कुछ भी हुआ बराबर, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले मेन सप्लाई बंद करेंगे बराबर। अभी हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीन चीजें जब एक साथ आती है तो आग लगती है। हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे, क्या करेंगे, उसके बाद में ऑक्सीजन कट करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लैंकेटिंग करेंगे, और फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टारवेशन। ठीक है, समझ में आया सबको, पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टारवेशन, लकड़े को आग लगी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आग लगी हम लोग ये साइड में तो कर सकते हैं हम लोग बराबर की नहीं, और दूसरा फुटे को आग लगी, यहाँ पे आग लगी है तो हम लोग इसको जो सामान जो बचा सकते हैं उसको बाजू कर सकते हैं, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन कट करेंगे, उसका ब्लैंकेटिंग करेंगे, यानी किससे, हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर है और ये सैंड बकेट है, ये CO2 है इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, कौन सा मेथड है, कौन बताएगा फायर एक्सटिंग्विशर, हाउ टू एक्सटिंग्विश फायर, कौन बताएगा, एक मेथड है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये फायर एक्सटिंग्विशर दिख रहा है और ये फायर एक्सटिंग्विशर दिख रहा है, दिख सकता है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गेज है, क्या है, क्या है, गेज है बराबर, और यहाँ पे भी है, क्या है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, देख सकते हो आप सब लोग, क्या दिख रहा है आपको, ये फायर एक्सटिंग्विशर में, दोनों फायर एक्सटिंग्विशर में, हाँ क्या दिख रहा है, गेज दिख रहा है ना, लेकिन कहाँ पे दिख रहा है, इसका नीडल पॉइंट, यहाँ पे भी नीडल पॉइंट है और वहां पे भी नीडल पॉइंट है, देख सकते हो आप सब लोग, क्या दिख रहा है इसमें, हाँ नीडल पॉइंट कहाँ पे है, ग्रीन और रेड कलर, दो कलर है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये कहाँ पे गया है, रेड पे गया, यानी इसके अंदर
क्या नहीं है, क्या नहीं है तो है, देखो हाँ है, क्या नहीं, क्या है, क्या नहीं है, प्रेशर नहीं है इसके अंदर है, यानी ग्रीन पे है, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर जब आग लगेगी तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, दबाएंगे तो भी होगा नहीं निकलेगा, देखो एक है पिन यहाँ पे, ये हालत में हमारा फायर एक्सटिंग्विशर कभी होना नहीं चाहिए, जब ये आग लगेगी हम लोग इसको लेके दौड़ेंगे, क्या करेंगे दौड़ के, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, प्रेशर नहीं है, पाउडर है ना, लेकिन कैसा निकालेंगे, प्रेशर से ही निकलता है पाउडर, क्या निकलता है, प्रेशर से ही निकलता है पाउडर, तो ये इसके वजह से हमारा क्या होगा, क्या होगा, जहां पे आग लगी और आग लगती रहेगी, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारा वक्त क्या होगा, वक्त बर्बाद होगा, हमें वक्त बर्बाद नहीं करना है, उसके लिए हमको रेडी पोजीशन में रहना चाहिए, ये हमको रिफिल के लिए भेजना चाहिए, क्या करना चाहिए, रिफिल के लिए भेजना चाहिए। तो मेथड क्या है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने के लिए, PAWS, क्या है, क्या पास, पास का मेथड है, क्या है, पास का मेथड है, पी फॉर कौन बताएगा, पी फॉर, पी फॉर पुल, क्या पुल, पुल द सेफ्टी पिन, अभी देखो ये सेफ्टी है क्या, हाँ सेफ्टी कब होता है, जब इसको सील होता है, क्या होता है, आप देख सकते हो इसको सील है, मैं निकाल सकता हूं पिन को, पुल द सेफ्टी पिन, नहीं ना, जब तक मैं सील को नहीं तोड़ता तब तक मैं पुल नहीं कर सकता, सेफ्टी पिन को पुल नहीं कर सकता, समझ गए आप सब लोग, तो हमेशा जब आग लगती है हम लोग पैनिक हो जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है क्या करना है क्या नहीं करना है, जहां पे दिखाई दिया फायर एक्सटिंग्विशर हमने उठा लिया और गए हम क्या करने, आग बुझाने, बराबर, तभी हम इसको लेके जाएंगे तो क्या होगा, टाइम बर्बाद होगा, इसको लेके जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन सील नहीं है मगर ये सेफ्टी नहीं है, क्या नहीं है, सेफ्टी नहीं है, तो कोई भी क्या होगा, ये पिन निकाल दिया ऐसा एक उंगली ऐसा खड़े खड़े होते हैं ना कोई कोई, और फिर बाद में कुछ उंगली करते रहते हैं, मालूम है आपको, हाँ तो उसमें से वो टूट जाता है, वो क्या करते बैठे बैठे ऐसे खड़े रहेंगे तो सील को भी घुमाते रहेंगे और ऐसे ही तोड़ा रहेगा, आपको लगता नहीं है मगर है ऐसा होता है, अगर ये कहीं सामने रखा रहेगा बैठे बैठे कोई सामने है तो ये काम करता है, तो ये इस तरह से टूटा रहेगा, बराबर है, सील टूटने के बाद ये सेफ्टी नहीं है, तो हमको क्या करना है, सील को जब तक ये गेज है तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बराबर, तो ये सील को हमको हमेशा देखना है कि ये सील लगा हुआ है कि नहीं, ठीक है, तो पुल द सेफ्टी पिन, ओके, ये सेफ्टी है पिन, क्योंकि उसके बाद हमको ये लीवर को कोई भी दबा देगा तो क्या होगा, उसके अंदर से पाउडर निकलेगी, एक बार पाउडर निकलने के बाद कार्टेज ब्रेक हो जाता है और उसके बाद में प्रेशर निकल जाता है, निकल जाता है, वो रुकेगा नहीं प्रेशर, ए फॉर एम द बेस ऑफ फायर, जहां पे आग लगी है उसके बेस को, जहां पे फ्यूल है, समझ गए, जहां पे फ्यूल है उसको हम क्या करेंगे, एम द बेस ऑफ फायर, ये फायर एक्सटिंग्विशर कहां पे निशाना लगाएंगे, जहां पे आग लगी है उसके बेस पे, अगर आप फ्लेम को लगाते हैं तो आग बुझेगी नहीं, तो क्या करना है हमको, एम द बेस ऑफ फायर, उसके बाद में हाँ एस फॉर स्क्वीज द लीवर, हम लोग क्या करेंगे इस लीवर को, क्या करेंगे हम लोग, स्क्वीज द लीवर, लीवर को दबाएंगे, कहां पे निशाना लगाना है, लीवर को यही पे दबाएंगे हम लोग, ठीक है, लीवर को स्क्वीज द लीवर, उसके बाद में वापस ऐसा आना है, फिर यहां लगी है वहां लगी है, स्क्वीज द लीवर और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, समझ गए आप लोग, इस तरह से हमको फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है,
पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन, ए फॉर एम द बेस ऑफ फायर, एस फॉर स्क्विच द लीवर और एस फॉर स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। सबको समझ में आया? अभी हम लोग आग लगाएंगे, आग बुझाएंगे। कैसे बुझाएंगे? हाँ, कैसे बुझाएंगे आग को? यही फायर एक्सटिंग्विशर, ये पाउडर होगा, पाउडर से पाउडर निकलेगी। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये फायर एक्सटिंग्विशर है। ये फायर एक्सटिंग्विशर है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है ये? क्या है ये? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फायर। ये क्या बोलते उसको? देखो ये सब इक्विपमेंट हमारा टाइट होना है, क्योंकि इसमें से क्या निकलेगा? गैस निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा। ये हमारा सील इस तरह से टूटेगा, बराबर। ये टूट गया सील, देख सकते हो आप, सील टूट गया। आग लाओ जी। ये अभी ये पुल द, क्या करेंगे हम? सेफ्टी पिन को पुल करेंगे। अभी हम एम द बेस ऑफ फायर, कहां पे आग लगे वहां पे हम एम करेंगे, और उसके बाद में स्विच कैसे करेंगे? ये क्या है? ये वॉल करेंगे। वॉल को क्या करेंगे? राउंड अप। कभी कभी वॉल को ऐसे घुमाते, कैसे घुमाते हैं? राइट साइड में घुमाना है, लेफ्ट साइड में घुमाना है? राउंड द क्लॉक, क्या बोलते हैं उसको? राउंड द क्लॉक हम क्या करेंगे? घुमाएंगे। और आग, अभी आग लगी है, देख सकते हो आप। हाँ, ये फायर एक्सटिंग्विशर, ये CO2, ये CO2 आप देख, सब लोग खड़े होके देख सकते हो। अभी ये CO2 है, क्या है? ऐसे देख लो आप, इस तरह से आपको पकड़ना है। और सबको समझ में आया यार, इस तरह से आप बुझाएंगे। अभी आप देख सकते हो, अभी आप देखोगे किसको कहाँ पे पकड़ना है, हमको हैंडल को कहाँ पे पकड़ना है, कहाँ पे इसको यहाँ पे। अभी ये क्या हुआ? स्मोक हुआ। क्या हुआ? आज जब लगती है तो क्या होता है? स्मोक होता है। अभी हमारे पास एक इक्विपमेंट है, स्मोक डिटेक्टर, दिख रहा है? सब लोग देखो वहां पे उसको। सब लोग बैठ जाओ। सब लोग क्या हो रहा है उसमें? 30 सेकंड आप देखते रहो उसको, बाहरी से आ रही है, उसमें लाइट चालू है। स्मोक डिटेक्टर चालू है, आपको पता चल रहा है? क्यों ब्लिंकिंग हो रहा है ना वो? अगर उसके अंदर स्मोक डिटेक्टर ब्लिंकिंग हो रहा है ना, होगा ना? ठीक है, हो रहा है, यानी ये चालू कंडीशन में है। क्या है? वर्किंग कंडीशन में है कि ये स्मोक डिटेक्टर चालू है। इसके अंदर जब धुआं जाएगा क्या होगा? सब ये स्मोक डिटेक्टर के अंदर ये है, क्या है? क्या है स्मोक डिटेक्टर के अंदर? सेंसर है, बराबर है ना? तो सेंसर, राइट। अभी आप देख सकते हो, मैं इसको बुझाऊंगा, कैसे बुझाऊंगा? ऐसे देख लो, इस तरह से हमको पकड़ने आओ। आग बुझ गई, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आके आप जल्दी आइए, कौन कौन आ रहा है? एक एक करके आइए, यहाँ पे आइए। आप देख सकते हो ये कितना कोल्ड है, ठंडा है। यहाँ पे देखो, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्साइड क्या होता है, ठंडा होता है, कूल होता है एकदम। इसके लिए आपको यहाँ पे इसको हैंडल को ही पंप को पकड़ना है। क्या पकड़ना है? हैंडल को ही हमको पकड़ना है, ठीक है। ए दूर क्यों क्यों से बाल्टी हमको पहले चाहिए। अरे भाई लड़का बहुत बोल रहा है, आराम से आराम से। इसको हम लोग कैसे ओपन करेंगे? अभी कभी कभी होता है हम लोग आग लगती है तो पैनिक हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी है वहां पे, बराबर। हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग इसको सील को पहले तोड़ेंगे, पिन को निकालेंगे, फिर बाद में होस पाइप को यहाँ पे, ये हैंडल है, इस तरह से हमको पकड़ना है। अगर हम गलती से इसको यहाँ पे पकड़ेंगे तो क्या होगा? हम पीछे छूट जाएगा। ये बहुत ठंडा होता है, कूल होता है। जब हम लोग इसको ओपन करेंगे इसमें से कूल होता है। ये ओपन कर दे, इसको तोड़ेंगे हम लोग सील को बराबर, फिर बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे आग लगी है, बराबर। हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरह से ओपन करेंगे। ये क्या हुआ? क्या निकला? देखो आप यहाँ पे हाथ लगा के देखो, टच करके देखो इसको। हाँ भाई कूल है, ठंडा है ना, बराबर समझ रहे हो ना? ये इतना ठंडा होता है कि इसके लिए हमको हैंडल को पकड़ना रहता है। क्या करना है? पीछे ये CO2 गैस निकला, अगर इसमें से पाउडर निकलती तो क्या होता? मगर कोई चीजें हमारी क्या नहीं होगी, खराब नहीं होगी, बराबर। इसमें से पाउडर निकलेगा तो क्या होगा, हमारे आंखों में इसमें सब चला जाएगा, और ये सब चीजें जो है अच्छे इक्विपमेंट्स है, कंप्यूटर्स है, वो भी क्या होगा, खराब हो जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं। तो हमको ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए, ये CO2 का आप देख लो यहाँ पे कितना ठंडा हुआ है सब जगह, क्योंकि इसमें से जो निकलेगा, जो गैस निकलेगा, ये कहीं पे भी हाथ लगाओगे तो भी ये ठंडा है एकदम। और आप यहाँ पे एक बार चालू, हमने तो 2 सेकंड चालू किया है, और दो मिनट गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र पाठर है। मैं आपको फायर के बारे में बताऊंगा, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताऊंगा। जहाँ पे आग लगती है वहाँ पे हमको किस तरह से आग से फाइट करना है वो हमें सीखना है। हमारे पास यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है, हमारे पास एक सैंड बकेट है, जो आग लगने के बाद हमको उसको यूज़ करना है। हमारे पास CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है, जो इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए। हमारे पास यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर नहीं है, हम बाहर हैं, हाँ यहाँ पे ये जगह पे नहीं है। और फायर स्प्रिंकलर होता है वो है नहीं है। तो ये जो इक्विपमेंट्स है जो फायर रिलेटेड है, जब आग लगती है आपको पता है कि किन चीज़ों से आग लगती है, कितने 3 चीज़ों से आग लगती है, क्या होता है? 3 चीज़ों से आग लगती है। कौन सी 3 चीजें आप बता सकते हो? हाँ, किन 3 चीजें एक साथ आती है तब आग लगती है? हाँ, ऑक्सीजन, स्पार्क, क्या? हाँ, कोई कंबस्टिबल चीज, ऑक्सीजन, कोई स्पार्क, हीट, हाँ, हीट, हीट आप बोल
हीट, हाँ हीट बोल सकते हैं हम लोग, जो आग लगती है, हीट, ऑक्सीजन और क्या, हीट, ऑक्सीजन, ये तीन चीजें एक साथ आती है तो आग लगती है। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। फ्यूल का मतलब अभी ये कागज क्या लेके आए, ये क्या है, फ्यूल, समझ गए, यानी फ्यूल, ये इसको आग लगी। अभी यहाँ पे ढेर सारी किताबें हैं, यानी क्या है, कम्बस्टिबल, ज्वलनशील पदार्थ है, बराबर, यानी कभी भी उसके ऊपर आग लग जाएगी। अपने एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन तो है ही, ये फ्यूल हुआ, और हीट, जैसे कोई स्मोकिंग किया और वही पे लग गई, तो हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीनों एक साथ मिल जाएंगे और क्या होगा, आग लग जाएगी, बराबर। अभी ये तीन चीजों में से एक को हम हटाएंगे, क्या हटाएंगे, किसको हटाएंगे, कोई भी चीज, यानी हीट को हम हटाने के लिए क्या करेंगे, बताओ, ठंडा करेंगे, हाँ, ठंडा, हीट को हटाने के लिए मैं पानी, यानी पानी का इस्तेमाल करके, यानी कूलिंग करूंगा, क्या करूंगा, कूलिंग करूंगा, यानी वाटर का इस्तेमाल करके मैं आग को बुझाऊंगा। अभी ये कौन सी आग पानी से बुझाई जाती है, साधारण आग, यानी एक ग्लास ऑफ फायर, एक ग्लासेस ऑफ फायर, ये एक ग्लास में क्या आता है, कागज, कपड़ा और लकड़ी, ये जो लकड़ा है ये एक ग्लास ऑफ फायर में आएगा, यानी इससे इसको हम पानी से बुझा सकते हैं। एक ग्लास ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर से हम इसको बुझा सकते हैं, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है एक ग्लास का है। अभी हीट को हटाने के लिए यानी कूलिंग करेंगे हम लोग, पानी से भी बुझा सकते हैं ये आग, क्योंकि ये आग में क्या नहीं है, केमिकल नहीं है, हम लोग इसको पानी से भी बुझा सकते हैं, यानी एक ग्लास ऑफ फायर, एक ग्लास ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करके हम उस आग को बुझा सकते हैं और पानी से भी बुझा सकते हैं। उसके बाद में कौन सा क्लास है, बी क्लास, यानी बी क्लास यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग को हम बी क्लास कहेंगे, और बी क्लास ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर को हम इस्तेमाल करके उस आग को हम बुझा सकते हैं, यानी ये ए बी सी है और ये बी सी है, बराबर, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है और इसके अंदर क्या है, सर इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसके अंदर पाउडर होगा, केमिकल पाउडर होगा जो मिश्रित किए रहती है, और वो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे आप, प्रेशर गेज, अगर ये प्रेशर गेज है तो ही हम इसके अंदर से जो पाउडर है वो बाहर निकलेगी। अगर ये प्रेशर गेज कहाँ पे, अभी ग्रीन पे है, बराबर, तो ग्रीन पे है तो इसका मतलब इसके अंदर प्रेशर है, प्रेशर है इसके अंदर, और अगर ये रेड पे चला जाता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर है। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा कैसे होगा, रेड पे है तो डाउन हो गया, रेड पे गया तो डाउन होगा, जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये रेड पे धीरे धीरे निकल जाएगा और इसके अंदर का प्रेशर निकल जाएगा। थोड़ा सा भी प्रेशर लीक हुआ, यानी हमने ये ओपन किया और किसी ने इसको थोड़ा सा भी दबा दिया तो क्या होगा, कार्टेज अंदर का ब्रेक होता है और उसके अंदर से प्रेशर निकलता है, वो प्रेशर के हिसाब से हमको ये प्रेस करना होता है और उसके बाद में प्रेशर से पाउडर निकलती है। अगर सिर्फ प्रेशर निकल गया तो क्या होगा, ये नीडल पिन रेड पे जाएगी और इसके अंदर पाउडर भी रहेगा तो ये पाउडर बाहर निकलेगी, नहीं निकलेगी क्योंकि प्रेशर नहीं है, समझ गए, ये बी क्लास ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के लिए है और ये आग बुझाने के लिए हमको ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में सी क्लास ऑफ फायर है, क्या है, सी क्लास ऑफ फायर यानी गैस फायर, आपको मालूम है गैस, गैस की पाइपलाइन का कलर क्या है, किसी को भी पता चल सकता है कि वो गैस पाइपलाइन है, कौन सा कलर होता है, येल्लो, कौन सा कलर होता है, येल्लो कलर होता है, बराबर, और फायर हाइड्रेंट का रेड कलर का रहता है, बराबर, येल्लो और रेड, ये फायर हाइड्रेंट का पाइप
अगर हमको पहचानना है तो रेड कलर का वो पाइप होता है, और गैस का पाइप हमको पहचानना है तो येलो कलर का होता है। तो ये गैस की आग फिर भी हम कैसे बुझाएंगे? हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। हीट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे। ऑक्सीजन को हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग करेंगे, यानी चादर यानी ब्लैंकेटिंग करेंगे। और फ्यूल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? फ्यूल को हटाने के लिए हम ये फ्यूल को हटा दिया, ये यहाँ पे आग लगी है तो ये बाजू में और पड़ा है, वहाँ पे बॉक्सेस पड़े हैं तो हम वो हटाएंगे, जहाँ पे आग लगी है उसको हम बुझाएंगे। तो फ्यूल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? स्टारवेशन। क्या बोलते हैं? स्टारवेशन करना, यानी सामग्री को हटाना। अगर लकड़ी को लगी है, कपड़े को लगी है तो थोड़ा हम लोग साइड करते हैं, वैसे अगर गैस की आग लगती है और कौन सी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट होता है तो हम क्या करेंगे? स्टारवेशन कैसे करेंगे हम लोग? स्टारवेशन, गैस की आग लगती है हम लोग स्टारवेशन कैसे करेंगे? स्टारवेशन यानी फ्यूल को कम करना, बंद करना। सप्लाई जो हो रहा है, गैस की आग लगती है हम सप्लाई बंद कैसे करेंगे? हम लोग गैस कैसे बंद करते? स्विच ऑफ वॉल बंद करते ना, उसका वॉल नॉब जो है उसको घुमाते हैं, और मेन सप्लाई अगर रहेगा सामने पाइपलाइन होती है तो उसका एक मेन वॉल रहता है, एक पाइप जो रहता है स्ट्रेट उसको खड़ा करेंगे तो बंद, और उसको पाइप की दिशा से अगर रखते हैं नॉब को तो क्या होता है? वो चालू स्थिति में रहता है। ये ध्यान में रखो आप, जब भी हमको मेन सप्लाई बंद करना है तो हमको वॉल को बंद करना है। तो क्या होगा, सप्लाई बंद करने के बाद जनरल फायर, बराबर, गैस नहीं रहेगा और जितना गैस है वो जलेगा, और फिर बाद में हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके आग को बुझाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? फ्यूल को हटाने के लिए स्टारवेशन यानी सप्लाई बंद करेंगे। एमएसीबी का इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे? मेन स्विच कहाँ पे है? ये मेन स्विच अभी आप ढूंढने होंगे कहाँ पे है बटन, अभी तो ये स्विच है, मेन सप्लाई कहाँ पे है? उसके अंदर पहला सबसे कैसे ओपन करेंगे इसको? सर ऐसे खींचिए, ओपन हो गया बराबर, सबसे ऊपर जाइए, उसको बंद करेंगे सब बंद हो जाएगा, और ऊपर ऑफ नीचे बराबर। तो ये मेन स्विच हमें सप्लाई मालूम होना जी। अभी कहीं यहाँ पे ट्यूबलाइट को स्पार्क हुआ तो क्या करेंगे हम लोग? बराबर, यहाँ पे बहुत सारे लाइट्स है, बटन स्विच है तो हम लोग मेन स्विच उसका बंद कर देंगे, और क्या होगा? ट्यूबलाइट बंद हो जाएगी, यानी कभी कभी आपको मालूम है उसके अंदर चोक रहता है, चोक ज्यादा करके ओवर लोड होने के बाद वो जल जाता है, फैन में भी होता है, मोटर होती है, ये सब जल इक्विपमेंट्स है, ज्यादा लोड होने के बाद वो जल जाता है, और उसी वक्त हमको क्या करना है? मेन सप्लाई बंद करना रहता है। मेन सप्लाई बंद करने के बाद क्या हुआ? फ्यूल को हमने रोक दिया, यानी स्टारवेशन किया, समझ गए? फ्यूल को रोकना मतलब स्टारवेशन करना, हमेशा ये फायर एक्सटिंग्विशर शॉर्ट फॉर्म के लिए। बराबर, थोड़ी सी आग लगती है तो अब हम इससे इसका इस्तेमाल करके आग बुझा सकते हैं, मगर बड़ी आग लगती है तो हम क्या करते हैं? रेड कलर का जो पाइप है उसके अंदर क्या होता है? पानी होता है, और वो स्प्रिंकलर हमारे यहाँ पे अगर लगे हुए हैं स्प्रिंकलर, तो स्प्रिंकलर से क्या होता है? पानी निकलता है। उसमें के अंदर भी मोटर पंप रहती है, मोटर पंप में प्रेशर रहता है, उसमें भी प्रेशर रहता है तब जाके वो पानी आएगा। स्प्रिंकलर में क्या रहता है? 68 डिग्री टेम्परेचर हीट होने के बाद क्या होगा? ब्लास्ट होगा, वो स्प्रिंकलर ब्लास्ट होगा और उसके अंदर से पानी निकलेगा अगर प्रेशर रहेगा तो। तो ये चीजें हैं, हम लोग वहां गए थे, वहां पे भी एक फायर एक्सटिंग्विशर था जिसका प्रेशर नहीं था, तो प्रेशर रहेगा तो इसके अंदर से पाउडर निकलेगी, प्रेशर नहीं रहेगा तो पाउडर नहीं निकलेगी। उसी तरह जिस तरह से फायर हाइड्रेंट लाइन है उसके अंदर प्रेशर रहेगा, गेज रहेगा, हमें देखना होता है प्रेशर गेज में उसमें प्रेशर है कि नहीं। 5 kg का होता है, 7 kg का होता है, 10 kg का होता है, 12 kg का होता है, यानी जैसे आप प्रेशर दोगे उस वो फोर्स से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। वैसे ही फायर हाइड्रेंट स्प्रिंकलर में भी होता है और फायर हाइड्रेंट सिस्टम में होता है। जैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तब क्या होता है?
प्रेशर वहाँ पे भी होता है, पंप रूम में प्रेशर होता है, वो फायर हाइड्रेंट सिस्टम में लाइन में प्रेशर चला जाता है और वो कैनवास होस पाइप होते हैं वहाँ पे। कैनवास होस पाइप से हम लोग क्या करते हैं, वो आगे लेके जाते हैं। कैनवास होस पाइप होता है, मालूम है ना आपको, आगे ब्रांच पाइप होता है और फिर बाद में हम लोग वो आग बुझाने के लिए भी उसके लिए प्रेशर पंप रूम से प्रेशर देना चाहिए, तब जाके आग लगती है। आग लगने के बाद आग हम बुझा सकते हैं, लेकिन वो फायर एक्सटिंग्विशर से ज्यादा हम क्या करेंगे, जल्द से जल्द आग बुझाने के लिए हमको फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके आग बुझाना होता है। यानी ब्लैंकेटिंग करो, आग बुझेगी, कोई चद्दर भी आप उसके ऊपर फैलाओगे और दबा दोगे तो ऑक्सीजन कट होगा और आग बुझ जाएगी। यही पे कहीं पे भी अगर आग लगती है, स्पार्क हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सप्लाई बंद करेंगे और ब्लैंकेटिंग करेंगे, यानी फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके हम आग बुझाएंगे। अभी आपको पता चला सी क्लास यानी गैस की आग, डी क्लास यानी मेटल, मेटल यानी धातु की आग, डी क्लास यानी धातु की आग, अब बड़े बड़े कंपनियों में होती है धातु की आग लगेगी, तो हम लोग आग बुझाने के लिए हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे, वो है ड्राई केमिकल पाउडर DCP। बराबर, जो बड़े कंपनियों में रहते हैं, हमारे पास ये साधारण आग और ये आग लग सकती है, कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी की आग लग सकती है। बराबर, उसके बाद में ई क्लास यानी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तब हम लोग क्या करेंगे, मेन सप्लाई, आपको पता चल गया ना, मेन सप्लाई हमको पहले बंद करना है और फिर बाद में उसको हमको क्या करना है, बुझाना है। अभी हम लोग जानेंगे कि हम लोग आग लगती है तब हमको फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना, कैसे करेंगे, इसके अंदर क्या है, पाउडर है, इसके अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बराबर है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, हम लोग को यूज करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, इसका कौन सा मेथड है, मेथड क्या है, जब भी हमको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है तो उसका मेथड है हमारे पास। अभी पिन निकालने के लिए यहाँ का सील भी तोड़ना होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे पिन ऐसे निकलेगी नहीं, आप खींचोगे नहीं निकलेगी, ये जब सील तोड़ेंगे पहले क्या करेंगे हम लोग, सील को तोड़ेंगे और क्या करेंगे, सील को तोड़ने के बाद PPASS पास का मेथड है, पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन, पुल द सेफ्टी यानी इस पिन को हम निकालेंगे जब सील तोड़ेंगे तभी। उसके बाद में कौन सा अल्फाबेट है, पी के बाद ए, ए फॉर एम द बेस ऑफ आर, इस तरह से हम क्या करेंगे, एम करेंगे जहां पे आग लगी उसके बेस पे हमको ये होस पाइप को क्या करना है, एम करना है जहां पे आग लगी है। अगर आप फ्लेम को है ओ, ये पर करेंगे फ्लेम को, अगर आप लोग क्या करेंगे, फ्लेम के ऊपर आप अगर होस पाइप रखोगे, निशाना लगाओगे, एम करोगे, तो क्या होगा, आग बुझेगी क्या, नहीं। आग बुझाने के लिए हमको बेस पे जिसको आग लगी, अगर ये कागज को अगर आग लगी है तो उसके ऊपर हम लोग मारेंगे, उसके ऊपर नीचे रहेगा तो बेस कहाँ पे, उसका जहाँ पे आग लगी है उसके बेस को, उसके बेस को हमको क्या करना है, एम द बेस ऑफ फायर, समझ गए, यहाँ पे आग लगी है, लेकिन आग लगी है अभी देखो आप अंदर है तो हवा की दिशा नहीं है, अगर बाहर है तो हवा का मौसम हमको देखना होता है, क्योंकि इसमें से जो निकलेगा क्या निकलेगा, पाउडर निकलेगा, बराबर, ये पाउडर निकलेगा तो अगर वहां से हवा आ रही है, बराबर, हवा का प्रेशर आ रहा है और हम लोग यहाँ से मारेंगे तो क्या होगा, पाउडर हमारे ऊपर ही आएगी, हमारे सर पे, हमारे शरीर पे आएगी, तो इसके लिए हमको पीठ कहाँ पे दिखाना है, जहाँ पे हवा आ रही है, पीछे से हवा आ रही है तो मैं उसको पीठ दिखाऊंगा और फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करूंगा। मैं कौन से हाथ से पकड़ूंगा, बाएं हाथ से, मैं लेफ्ट हैंड से मैं होस पाइप को पकड़ूंगा और आग लगी है इसके अंदर प्रेशर है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे आग लगे तो मैं यहाँ से ही मारूंगा, तो क्या होगा, प्रेशर से पाउडर निकलेगी और उसको उड़ा देगी, जिसको आग लगी है वो उड़ा देगी और आगे फैलाएगी, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा पीछे रहेंगे हम लोग, 5 फुट पीछे रहेंगे और पाउडर का इस्तेमाल करके आग बुझाएंगे। एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर, इस बार में क्या करेंगे, एस फॉर स्क्वीज द लीवर, इसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे और क्या निकलेगा उसके अंदर से, पाउडर।
बुझाऊंगा ऐसे, देख लो इस तरह से हमको पकड़ना है। और